हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आज आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टेक वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वैक्यूम क्लीनर के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि वो बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है 100 पाउंड के अंदर, क्योंकि उसकी प्राइसिंग है 99 पाउंड। और एक घर के लिए, ऑफिस के लिए अगर आप वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हो तो वो वैक्यूम क्लीनर आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। दरअसल कुछ इस तरह का ये वैक्यूम क्लीनर है, जो कि आता है न्यूमैटिक की तरफ से, हेनरी कुछ इस तरह का इसकी ऊपर ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो ये वैक्यूम क्लीनर मैंने परचेज़ किया है और इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह के बॉक्स कंटेंट्स के साथ ये आता है और किस तरह के हमें इसमें फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है और हम इसको यूज़ भी करके दिखाएंगे। वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो ये रहा हमारे पास वैक्यूम क्लीनर, जो कि रहता है न्यूमैटिक की तरफ से और इसका जो मॉडल नेम है वो रहता है हेनरी। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव मेड ओवर 10 मिलियन हेनरीज एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल इन यूज टुडे, यानी कि 10 मिलियन से ज़्यादा इनके रिव्यू हैं और काफ़ी अच्छी इन्होंने पैकेजिंग ये बनाई हुई है। यहाँ पे इनके पार्ट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं जो कि हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है न्यूमैटिक इंटरनेशनल। तो हमारी बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह है कि हमें देखने को मिली। यहाँ भी कुछ डिटेल मेंशन है, बाकी की तरफ नीचे की तरफ इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं जो हमें पढ़ लेनी है। तो कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग है। तो चलिए अब हम बॉक्स पैकिंग को रखते हैं साइड में और हम इसको ओपन करते हैं। दरअसल मैंने इसकी सील पहले ही ब्रेक की हुई है। तो इसको ओपन करते ही हमें कुछ इस तरह की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। दरअसल इसके अंदर हमें काफ़ी तरह के पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमैटिक इंटरनेशनल, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट के बारे में। कुछ इस तरह की हमें यूज़र मैनुअल या फिर ओनर इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है, तो इसको भी अभी साइड में ही रखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का हमें एक ये पाइप देखने को मिलता है। तो इन पार्ट्स को हम असेंबल करके एक पार्ट बनाएंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का हमें क्लीनिंग के लिए एक पार्ट और देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारी एक्सेसरी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है और वैक्यूम क्लीनिंग के लिए कि ये पाइप दिया गया है, इसको भी रखते हैं अभी हम साइड में। और उसके बाद कुछ इस तरह के हमें इसके अंदर पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं काफ़ी सारे। तो उसके बाद नीचे की तरफ से हमारा हेनरी ये निकल के आ जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारा ये हेनरी हमें देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारा हेनरी। तो इसको हम रखते हैं इसके साइड में। बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स के अंदर हमें एक और पाइप देखने को मिल जाता है और उसके बाद एक और इसके अंदर हमें कुछ इस तरह का ये क्लॉथ वगैरह देखने को मिल जाती है। दरअसल ये हमारे इसके अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं जब ये ख़राब हो जाएगा, बाकी ये एक एक्स्ट्रा दिया गया है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और बॉक्स को भी मैं अभी साइड में रखता हूँ। तो बॉक्स हमारा गया साइड में। तो कुछ इस तरह के हमें इसके अंदर पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप देख ही रहे होंगे। तो ये रहे हमारे पार्ट्स। तो चलिए अब हम इसको अनरैप करते हैं। तो अनरैप होने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारा ये हेनरी हमें देखने को मिल जाता है। और जो इसका ये पार्ट है, दरअसल ये रिमूवेबल है, इसको हम उतार सकते हैं अगर हमें अच्छा नहीं लगता। बाकी इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक हमें देखने को मिल जाता है। हमारे घर में एक और मेंबर आ गया कुछ इस तरह का हमें ये फील कराते हैं। तो चलिए अब हम इनकी बॉक्स पैकिंग को ओपन करते हैं, जिस तरह के हमें ये पैकेजेस हमें मिले थे इसके साथ। तो इसको हम खोल लेते हैं। तो इसके अंदर हमें क्लीनिंग के कई और पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा कुछ इस तरह का ये पार्ट है। उसके बाद कुछ इस तरह के हमें पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको हम असेंबल करके यूज़ में ला सकते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। अगर हम बात करें इनके पार्ट्स के बारे में कि किस तरह के पार्ट्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं या किस तरह की इसकी फंक्शनैलिटी रहती है, तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमें इसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए बटन देखने को मिल जाएगा। और ये रहा हमारा सॉकेट जिसकी मदद से हम इसको पावर सप्लाई देके ऑन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ये हमें सॉकेट देखने को मिलता है। और इसकी वायर को अगर हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ से हम इसको घुमा के इसको हम फिक्स कर सकते हैं या फिर इसके अंदर फोल्ड कर सकते हैं। तो कुछ इस पर्पज़ के लिए हमें ये पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम इसको अगर हमारा ये फुल हो गया, हमारा जो कचरा वगैरह था हमने वैक्यूम के क्लीनिंग से क्लीन किया, उसको हम कैसे ओपन करके साफ़ करेंगे। तो इसमें हमें दोनों साइड से यहाँ पे
और दूसरी साइड, दोनों साइड में हमें इनको बाहर की तरफ खींचना है इनको, और खींचने के बाद हम इसको ऊपर उठा लेंगे। कुछ इस तरह से हमें अंदर की तरफ से ये देखने को मिल जाता है, और हमारे नीचे की तरफ से कुछ इस तरह का हमें ये पार्ट्स देखने को मिल जाता है। इसको हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, और जो हमें ये क्लॉथ, मैं जो बात कर रहा था, जो एक्स्ट्रा हमें देखने को मिला था बैक के अंदर, कुछ इस तरह का रहता है, और इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो कुछ इस तरह के पार्ट्स हमें इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो इसको बंद करना भी काफ़ी आसान है, इसको इसके ऊपर रख कर, और हमें इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये हेनरी हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है, कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी के साथ आता है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको पावर सप्लाई दे दी है, यहाँ पे इंडिकेशन लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। तो चलिए अब हम क्लीनिंग करके देखते हैं कि किस तरह की हमें परफॉर्मेंस इसकी मिलती है। बाकी ये बेस्ट हूवर है या फिर बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है, तो यहाँ से मैं बटन को ऑन कर दूंगा, तो जिससे ये ऑन हो जाएगा। तो ये हो गया शुरू। तो कुछ इस तरह की नॉइज़ या फिर साउंड आप सुन सकते हो जब ये ऑन होता है, कुछ इस तरह की नॉइज़ हमें सुनाई देती है। तो कुछ इस तरह से हम क्लीनिंग कर सकते हैं। बाकी इसके साथ हमें और भी पार्ट्स मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए, काम में कहीं और छोटे एरिया में अगर क्लीनिंग करनी है उस हिसाब से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये क्लीन करता है। तो ये बेस्ट ओवर है हमारा 100 पाउंड के अंदर। तो कुछ इस तरह का हमें ये ओवर देखने को मिल जाता है। हम इसको यहाँ से भी ओपन करके इसको आसानी से यूज़ में ला सकते हैं, कहीं भी कोई डस्ट है तो कुछ इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का हमारा ये वैक्यूम क्लीनर है और किस तरह के इसके अंदर हमें पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके रिस्पांस की, तो काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस लगा और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो मुझे 100 पाउंड के अंदर ये काफ़ी अच्छा हमें ओवर देखने को मिल जाता है। दरअसल इसकी प्राइसिंग है 99 पाउंड। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको आसानी से खरीद सकते हो। तो ये मेरे लिए बेस्ट हूवर है, मैं इसको कहूँगा बेस्ट हूवर अंडर 100 पाउंड। तो 100 पाउंड के अंदर ये काफ़ी अच्छा हूवर हमें देखने को मिल जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जिन्हें इस तरह के हूवर की या वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है। इस हूवर को हम मल्टीपर्पज की तरह यूज़ में ला सकते हैं, जैसे हमें कार क्लीन करनी हो, घर के लिए कोई हूवर चाहिए, तो ये एक बेस्ट हूवर है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे यूके टेक एंड ट्रैवल्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो। तो थैंक यू, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।